Hi student, welcome to the class 6, chapter number 4, introduction to the PowerPoint, MS PowerPoint, Microsoft ka ek application hai, MS Office ke saath, na, MS Word, MS Excel, ये सबके साथ एक एप्लीकेशन है MS PowerPoint। तो MS PowerPoint के साथ कुछ काम करने के लिए अभी हम लोग ये चैप्टर में सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू MS PowerPoint। देर आर मेनी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट, एग्जाम्पल पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्ग, इम्प्रेस, इट इज एन ओपन सोर्स, द स्लाइड रॉकेट, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ना हम लोग MS PowerPoint में एक प्रेजेंटेशन बनाता है ना, मतलब जैसे हम लोग का स्कूल में पहले जो स्मार्ट क्लास था, वो स्मार्ट क्लास में हम लोग जो चीज़ देखे है उसी तरह का अलग अलग स्लाइड के साथ एक प्रेजेंटेशन, एक स्लाइड शो। वो प्रेजेंटेशन बनाने वाला अलग अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर हम लोग को मार्केट में मिलेगा, उसका कुछ एग्जाम्पल्स है पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्ग, इम्प्रेस, इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, देन द स्लाइड रॉकेट, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। वी विल डिस्कस द पावर पॉइंट इन दिस चैप्टर, हम लोग ये चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट द MS PowerPoint, माइक्रोसॉफ्ट का MS PowerPoint वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये MS PowerPoint वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया हुआ एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है MS PowerPoint। दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS PowerPoint ये इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज करता है, एंड इट यूजेस स्लाइड्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन रिच इन मल्टीमीडिया। इसमें हम लोग एक प्रेजेंटेशन में अलग अलग स्लाइड्स यूज करता है, एक एक पेज को क्या बोलता है स्लाइड्स। स्लाइड्स के साथ हम लोग जो इंफॉर्मेशन दूसरा के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता है या जो इंफॉर्मेशन हम लोग ऑडियंस के लिए देना चाहता है वो हम लोग इस तरह का स्लाइड्स में अरेंज करता है, विच रिच इन मल्टीमीडिया। ये स्लाइड्स मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया के साथ रिच है, उसका मतलब ये स्लाइड्स में हम लोग को मल्टीमीडिया फाइल्स यूज कर सकता है, मतलब ये एक स्लाइड में हम लोग को उसमें कुछ टेक्स्ट लिख भी सकता है, इमेज, फोटो ये भी ऐड कर सकता है, ऑडियो क्लिप भी ऐड कर सकता है, वीडियो क्लिप भी ऐड कर सकता है, ग्राफ एंड चार्ट, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, ये सारा चीज़ हम लोगों को एक पेज में एक स्लाइड में ऐड कर सकता है, इसलिए वो लिखा हुआ है विच इज़ रिच इन मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया से भरा हुआ है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मतलब एक से ज़्यादा मीडिया, ऑडियो, वीडियो, इमेज, फोटो, ग्राफ, टेप, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, चार, टेबल, ये सारा चीज़ से भरा हुआ रहेगा एक एक स्लाइड, मतलब जैसे हम लोग को चाहिए ये सब हम लोग को एक एक स्लाइड में एक एक पेज में हम लोग को क्या कर सकता है ऐड कर सकता है, इसलिए वो रिच इन मल्टीमीडिया है। द पावर पॉइंट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई डेनिस ऑस्टिन एंड थॉमस रुटकिन एट फॉरथॉट इनकॉर्पोरेशन, ए सॉफ्टवेयर कंपनी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है फॉरथॉट इनकॉर्पोरेशन ना। ये सॉफ्टवेयर कंपनी में डेनिस ऑस्टिन एंड थॉमस रुटकिन इन दोनों ने MS PowerPoint सबसे पहले डेवलप किया है, एंड फर्स्टली इट वॉज नेम्ड प्रेजेंटर ना। स्टार्टिंग में PowerPoint का नाम वो क्या था, प्रेजेंटर था, एंड वॉज रीनेम्ड एज PowerPoint इन 1987। उसके बाद ये प्रेजेंटर नाम उसको रीनेम किया है, उसका नाम चेंज करके एक नया नाम दिया है, इट इज द पावर पॉइंट। ये नाम रीनेम किया है इन 1987 में।
देन स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन, एमएस पावर पॉइंट में हम लोग को स्लाइड क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी। स्लाइड, as film is made of many incidents, the same way presentation is made of many slides. जैसे एक फिल्म, एक मूवी में ढेर सारा इंसिडेंट्स होता है ना, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट से भरा हुआ है एक फिल्म, एक मूवी, उसी प्रकार एक प्रेजेंटेशन में भी इट इज़ मेड ऑफ मेनी स्लाइड्स, वो ढेर सारा क्या चीज़ से बना हुआ है, मेनी स्लाइड्स से बना हुआ है, मतलब एक एक पेज को बोलता है एक एक स्लाइड। ए स्लाइड इज ए सिंगल पेज ऑफ ए प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन का एक सिंगल पेज उसको बोलता है ए स्लाइड। इट इज जस्ट लाइक 35mm फिल्म बेस्ड स्लाइड ना, ये एक 35mm फिल्म बेस्ड स्लाइड जैसा है। स्लाइड में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो और वीडियो, एक स्लाइड में एक पेज में उसमें क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ये सारा चीज़ हम लोगों को एक पेज में अरेंज कर सकता है, ये सारा चीज़ हम लोगों को ऑडियंस के सामने दिखा सकता है। द नेक्स्ट द प्रेजेंटेशन, ए प्रेजेंटेशन इज कंपोज्ड ऑफ मेनी स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन में ढेर सारा स्लाइड्स हो सकता है। द एम ऑफ द प्रेजेंटेशन इज टू मेक सब्जेक्ट मैटर ईजी टू अंडरस्टैंड बाई इंसर्टिंग पिक्चर्स, टेक्स्ट, ग्राफ, चार्ट, एनिमेशन, है ना। प्रेजेंटेशन बनाने का एक पर्पस, एक एम वो क्या है, टू मेक द सब्जेक्ट मैटर ईजी टू अंडरस्टैंड, जो सब्जेक्ट के बारे में, जो मैटर के बारे में हम लोग ऑडियंस के सामने बोलना चाहता है, वो बहुत ईजी मेथड में वो ऑडियंस के सामने दिखाने के लिए, ऑडियंस को बहुत आसानी से उसको समझ में आने के लिए इस तरह का प्रेजेंटेशन बनाता है। उसके लिए हम लोग इसमें कुछ पिक्चर्स इंसर्ट करता है ना, उसमें कुछ टेक्स्ट भी डाल देता है ना, टेक्स्ट मतलब वर्ड्स, सेंटेंसेस, स्मॉल पैराग्राफ, ये सब यूज़ करता है, ग्राफ यूज़ करता है, चार्ट यूज़ करता है और एनिमेशन भी यूज़ करता है। द बेस्ट प्रेजेंटेशन यूज़ अप्रोक्सीमेटली 10-12 स्लाइड्स, एक प्रेजेंटेशन वो बहुत अच्छा होने के लिए बेस्ट प्रेजेंटेशन उसी को कहा जाता है जिसमें 10 से लेकर 12 तक स्लाइड्स होता है, 10 से लेकर 12 पेज तक होता है एक बेस्ट प्रेजेंटेशन। एक अच्छा प्रेजेंटेशन में 10 से लेकर 12 तक स्लाइड्स हो सकता है, उसी को कहा जाता है बेस्ट प्रेजेंटेशन। You can insert animation effects, audio and video clip in your slides to make your presentation effective. हम लोग को कुछ animation effect भी दे सकता है ना, और audio clip दे उसमें add कर सकता है, और we can add some video clips also, है ना। ये सब add करने से हम लोग का presentation it will become an effective presentation. वो एक बहुत अच्छा presentation हो जाएगा, या फिर वो presentation audience का attraction को बहुत जल्दी वो ले लेगा। उसी तरह का एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकता है हम लोग को एमएस पावर पॉइंट के साथ। स्टार्टिंग द पावर पॉइंट, देर आर 3 वेज टू स्टार्ट पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए वहाँ पर कितना मेथड है, 3 मेथड है। 1 स्टार्टिंग थ्रू द स्टार्ट बटन, 2 स्टार्टिंग थ्रू द सर्च बॉक्स, एंड 3 स्टार्टिंग थ्रू द शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप ना। एक स्टार्ट बटन से, और दूसरा थ्रू द सर्च बॉक्स, और लास्ट द शॉर्टकट आइकन ऑन द डेस्कटॉप। ये 3 मेथड से हम लोग को पावर पॉइंट को स्टार्ट कर सकता है। थ्रू स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन से स्टार्ट करने का क्या मेथड है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट मेनू ना, सबसे पहले स्टार्ट मेनू में क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक ऑन द पावर पॉइंट, उसके बाद कहाँ क्लिक करना है, द पावर पॉइंट में क्लिक करना है। देन थ्रू द सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स में से कैसे ओपन कर सकता है, सबसे पहले जस्ट क्लिक ऑन द सर्च बॉक्स, तो सर्च बॉक्स में क्लिक करना है, ये सर्च बॉक्स काम करेगा स्टार्ट बटन के बगल में। उसके बाद सेकंड जस्ट टाइप पावर पॉइंट और पावर इन द सर्च बॉक्स, पावर पॉइंट या पावर ऐसा लिखना चाहिए वो सर्च बॉक्स में। उसके बाद देन प्रेस द
एंटर की ऑन द कीबोर्ड ना, उसके बाद अपना कीबोर्ड में एंटर की प्रेस करना है। ये तीन स्टेप करने से एमएस पावर पॉइंट ओपन हो जाए। नेक्स्ट, थ्रू शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में एमएस पावर पॉइंट का एक शॉर्टकट आइकन, उसी से कैसे ओपन करना है। इफ देयर इज द पावर पॉइंट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप देन डबल क्लिक ऑन द शॉर्टकट। अगर अपना डेस्कटॉप में एमएस पावर पॉइंट का शॉर्टकट आइकन है तो उसी में डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक ऑन द शॉर्टकट आइकन एंड द पावर पॉइंट विल ओपन। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, द पार्ट्स ऑफ द पावर पॉइंट विंडो, एमएस पावर पॉइंट विंडो का पार्ट क्या क्या पार्ट्स है वो देख लेते हैं। द पावर पॉइंट विंडो कंटेन्स द फाइल मेनू, मेनू बार, टैब, रिबन्स, द स्लाइड पेन, नोट्स पेन, स्टेटस बार, स्लाइड टैब, ये सब है एमएस पावर पॉइंट विंडो का मेन पार्ट। ये क्या है? फाइल मेनू, मेनू बार, टैब, रिबन, स्लाइड पेन, नोट्स पेन, स्टेटस बार, स्लाइड टैब, इतना होता है। देखिए, हियर इज द टाइटल बार, सबसे पहले ऊपर में द टाइटल बार, उसी का लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार, QAT, है ना। टाइटल बार का राइट साइड में द प्रोग्राम लेवल कंट्रोल बटन, प्रोग्राम लेवल कंट्रोल बटन। टाइटल बार के जस्ट नीचे सबसे शुरू में द फाइल टैब, है ना, उसके बाद बाकी सब टैब होता है। उसके नीचे में रिबन है, रिबन में हर कमांड्स ग्रुप ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग ग्रुप में। उसके नीचे इधर लेफ्ट साइड में द स्लाइड आउटलाइन पेन है, स्लाइड्स आउटलाइन पेन में एक एक स्लाइड का आउटलाइन देख सकता है। अभी इसमें सिर्फ एक ही स्लाइड है, एक ब्लैंक स्लाइड, इसलिए एक स्लाइड का आउटलाइन हम लोग को इधर में देख सकता है। दिस इज द स्लाइड पेन, यह है स्लाइड पेन, इसमें अभी एक स्लाइड है। उसके नीचे सबसे नीचे स्टेटस बार है, स्टेटस बार के जस्ट ऊपर में स्लाइड के नीचे नोट्स पेन है, इसमें हम लोग को यह स्लाइड के लिए कुछ नोट्स लिख सकता है। स्टेटस बार में राइट साइड में व्यू बटन्स है, व्यू बटन्स, इतना होता है एमएस पावर पॉइंट विंडो का डिफरेंट पार्ट्स। देन द फाइल मेनू, दिस मेनू इज लोकेटेड एट द लेफ्ट ऑफ होम टैब। ये फाइल मेनू का जगह कहाँ है? होम टैब के लेफ्ट साइड, होम टैब के लेफ्ट साइड। इट कंटेन्स द कमांड सच एज न्यू, सेव, सेव एज, ओपन, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, एक्सिट एक्सेट्रा। ना इन द फाइल मेनू, फाइल मेनू में इतना कमांड्स है ना, वो क्या क्या है? न्यू कमांड, सेव, सेव एज, ओपन, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, एक्सिट, इतना कमांड होता है इन ऑन द फाइल मेनू। देखिए, यह है फाइल मेनू, इसको ओपन करने के बाद सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रीसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शंस, एक्सिट, इतना कमांड्स होता है अंडर फाइल मेनू। देन द क्विक एक्सेस टूल बार, इट इज लोकेटेड ऑन द अपर साइड ऑफ द फाइल मेनू। ये कहाँ होता है? फाइल मेनू का ऊपर में, फाइल मेनू के अपर साइड। इट मेनली कंटेन्स द थ्री बटन्स। क्विक एक्सेस टूल बार में जनरली कितना बटन होता है? थ्री बटन्स होता है। आज ना क्या बटन है? द सेव एज, अंडू, रीडू, ये तीन बटन होता है इन द क्विक एक्सेस टूल बार। यू कैन कस्टमाइज दिस टूल बार एंड कैन ऐड एनी बटन दैट यू रिक्वायर फ्रीक्वेंटली टू हैव अ ईजी एंड फास्टर एक्सेस। ये क्विक एक्सेस टूल बार, उसको हम लोग क्या कर सकता है? वी कैन कस्टमाइज इट। वी कैन कस्टमाइज मतलब क्या है? उसका ये तीन ऑप्शन है, ये तीन बटन है, इसको हम लोग को चेंज करके दूसरा बटन भी दे सकता है, या इसके साथ भी हम लोग को ये तीन के जगह में चार पांच बटन हम लोग को उसमें ऐड कर सकता है। वी कैन ऐड एनी बटन दैट यू रिक्वायर फ्रीक्वेंटली, मतलब हम लोग को ज़्यादा यूज करने वाला कोई भी बटन, कोई भी कमांड का बटन हम लोग को एक क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकता है। टू हैव एन ईजी एंड फास्टर एक्सेस, ऐसा ऐड करने से हम लोग को वो कमांड बटन हम लोग को बहुत ईजी मेथड में और बहुत जल्दी हम लोग को उसका यूज कर सकता है।
menu bar tab. Each menu bar tab is task oriented and opens the ribbon that is divided into sub task. Now, मतलब हर एक menu bar tab, menu bar tab में एक एक tab होता है. ये हर tab में specific task oriented options, मतलब एक एक काम के लिए MS PowerPoint के साथ अलग अलग काम करने के लिए जो कमांड चाहिए, जो ऑप्शन चाहिए, वो इस तरह का डिफरेंट टाव में अरेंज किया हुआ है. दैट इज डिवाइड इनटू सब टास्क. एक टाव में क्लिक करने के बाद उसके नीचे रिबन में वो टाब के अंदर वाला सारा कमांड्स वहाँ पर आ जाएगा. ये कमांड भी अलग अलग सब टास्क में, मतलब अलग अलग ग्रुप में उसको डिवाइड करके अरेंज किया हुआ है ना. एक टाब के नीचे जितना भी कमांड्स है उसको, वो कमांड क्या के लिए है उसके अनुसार अलग अलग ग्रुप में उसको डिवाइड किया हुआ. ये देखिए मेनू बार टैब ये है. इसमें क्या क्या मेनू है? सबसे पहले कौन सा मेनू था? फाइल मेनू. उसके बाद होम टैब है ना. उसके बाद इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशंस टैब, एनिमेशंस टैब, स्लाइड शॉट, रिव्यू, व्यू, स्टोरी बोर्डिंग, द फॉर्मेट टैब. इतना टैब्स होता है इसमें एमएस पावरपॉइंट. Then ribbon. When you click on any tab, then ribbon show the tab tools and commands present on that ribbon. लोग MS PowerPoint में एक tab में क्लिक करने के बाद ribbon में वो tab tools, वो tab के अनुसार क्या क्या tools है, वो tab के अंदर क्या क्या tools है, या वो tab के अंदर जो commands है वो ribbon में आ जाएगा. जैसे ये picture में देखिएगा home tab. होम टैब में क्लिक करने के बाद होम टैब के अंदर जितना भी कमांड्स है वो ये रिबन में अभी हम लोग को देख सकता है. ये सारा कमांड्स अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है. जैसे यहाँ पर सबसे पहले कौन सा ग्रुप है? क्लिप बोर्ड ग्रुप है. क्लिप बोर्ड ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन है? पेस्ट ऑप्शन, कट, कॉपी, ये सब ऑप्शन है. उसके बाद एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप होता है, और फॉन्ट ग्रुप है ये तीसरा, ये पैराग्राफ ग्रुप होता है इधर में, एंड ड्रॉइंग ग्रुप है ना. इसमें ढेर सारा ड्राइंग रिलेटेड जो कमांड्स है ये सब इसमें मिलेगा. एडिटिंग ग्रुप इधर में है. इस तरह से सारा कमांड बटन्स अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ. डिफरेंट टैब उसमें क्या क्या ग्रुप है इसके बारे में यहाँ पर है. क्या है? होम टैब. होम टैब में इट कंटेन्स ऑल फीचर्स ऑफ द क्लिप बोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्रॉइंग एंड एडिटिंग ऑप्शन. होम टैब के अंदर में हम लोग को इतना सारा अलग अलग फीचर्स हम लोग को मिल जाएगा. जैसे द फीचर्स रिलेटेड टू द क्लिप बोर्ड फीचर्स, स्लाइड फीचर्स, फॉन्ट फीचर्स, पैराग्राफ फीचर्स, ड्राइंग फीचर्स एंड एडिटिंग ऑप्शंस. ये सारा चीज़ हम लोग को होम टैब में मिलता है. द नेक्स्ट इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब के नीचे क्या क्या मिलेगा? इट कंटेन इंसर्टिंग द टेबल, टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन, टू इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स, टू इंसर्ट द क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, सिंबल्स, इंसर्ट वीडियो, चार्ट, द फोटो एल्बम. ये सारा चीज़ इंसर्ट करने का ऑप्शन हम लोग को मिलता है इंसर्ट टैब के नीचे. डिजाइन टैब के नीचे इट कंटेन्स द चेंज पेज लेआउट, स्लाइड थीम, चेंज द स्लाइड थीम, चेंज द कलर्स, चेंज द बैकग्राउंड स्टाइल्स एंड चेंज द ग्राफिक्स. ये सारा काम होता है डिजाइन टैब. द नेक्स्ट टैब ट्रांजिशन टैब. इट कंटेन्स ऑल फीचर्स ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ स्लाइड, टाइमिंग, साउंड. उसमें हम लोग को क्या क्या मिलेगा? द फीचर्स ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ स्लाइड है ना, अलग अलग स्लाइड का ट्रांजिशन का फीचर्स, स्लाइड टाइमिंग उसका फीचर्स, साउंड इफेक्ट. ट्रांजिशन होने के समय जो साउंड चाहिए वो साउंड इफेक्ट. ये सारा काम होता है अंडर द ट्रांजिशन टैब. एनिमेशन टैब. एनिमेशन, एडवांस्ड एनिमेशन एंड टाइमिंग. इसमें हम लोग को एनिमेशन रिलेटेड कमांड मिलेगा. एडवांस्ड एनिमेशन के लिए जो कमांड चाहिए वो मिलेगा एंड एनिमेशन का टाइमिंग रिलेटेड कमांड भी उसमें मिलता है. द नेक्स्ट टैब द स्लाइड शो टैब. द स्लाइड शो फॉर एंटायर प्रेजेंटेशन, रिहर्स टाइमिंग, मॉनिटर सेटिंग फॉर स्लाइड शो. इसमें हम लोग को क्या क्या मिलता है? द स्लाइड शो फॉर एंटायर प्रेजेंटेशन, ये पूरा प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो वो कैसे होना है उसका ऑप्शन मिलता है. रिहर्स द टाइमिंग है ना, हमारा प्रेजेंटेशन का टाइमिंग उसको एक बार रिहर्स करके देखने के लिए उसका ऑप्शंस मिलता है. मॉनिटर सेटिंग का ऑप्शंस मिलता है ना, मतलब अपना जो प्रेजेंटेशन उसको
स्लाइड शो करने के दौरान मॉनिटर सेटिंग, ये सारा चीज़ हम लोग को स्लाइड शो टाव में मिलता है। रिव्यू टाव में द प्रूफिंग टेक्निक्स, प्रूफिंग टेक्निक्स मतलब क्या है, अपना जो स्लाइड में जो टेक्स्ट लगा हुआ है उसी का स्पेलिंग, ग्रामर, ये सारा चीज़ हम लोग को इसमें क्या कर सकता है, वी कैन चेक इट। देन टू ऐड कमेंट्स, हम लोग को स्लाइड शो पे देखिए स्लाइड का कंटेंट के साथ कुछ कमेंट देने के लिए, लैंग्वेज एंड कंपेयर, लैंग्वेज चेक करने के लिए एंड टू कंपेयर द थिंग्स, ये सारा चीज़ होता है रिव्यू टाव। व्यू टाव में प्रेजेंटेशन व्यूज, अपना प्रेजेंटेशन को व्यूज मतलब उसको दिखाने का अलग अलग मेथड, अलग अलग व्यूज, देन मास्टर व्यू, रूलर वो दिखाना है कि नहीं, ग्रिडलाइंस को दिखाना है कि नहीं, गाइड, जूम, द कलर, विंडो एंड मैक्रो, ये सारा चीज़ को दिखाना है कि नहीं, ये सब होता है व्यू टाव। तो इतना सारा टाब, उसका डिफरेंट फीचर्स, द कमांड्स, द ऑप्शंस अंडर दिस टाब्स, ये सारा चीज़ ये टेबल से हम लोग को पता चलता है। नोट, व्हेन यू राइट एनी टेक्स्ट देन ए न्यू टाब नेम्ड द फॉर्मेट इज शोन विच कंटेन्स द क्लिप बोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्रॉइंग एंड एडिटिंग ऑप्शंस। ना व्हेन यू राइट एनी टेक्स्ट, हम लोग एक स्लाइड में कोई भी टेक्स्ट लिखने के समय ए न्यू टाब आएगा, ऊपर में एक नया टैब आएगा, इट इज नेम्ड एज द फॉर्मेट टैब, इट इज शोन विच कंटेन्स क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्रॉइंग एंड एडिटिंग ऑप्शंस। ये हम लोग को रिबन में देख सकता है, रिबन के ऊपर देख सकता है फॉर्मेट टैब, उसमें क्या क्या चीज़ है, द क्लिपबोर्ड कमांड, स्लाइड कमांड, द फॉन्ट रिलेटेड कमांड, पैराग्राफ रिलेटेड कमांड्स, ड्रॉइंग एंड एडिटिंग ऑप्शंस, ये सारा चीज़ हम लोग को फॉर्मेट टैब में मिल जाएगा। स्लाइड पेन, इट इज़ एन एरिया इन विच स्लाइड कैन बी क्रिएटेड एंड एडिटेड, है ना। स्लाइड पेन हम लोग वो MS पावर पॉइंट का विंडो में हम लोग देखा था, उसमें वो स्लाइड पेन में क्या है, वो एरिया है इन विच स्लाइड कैन बी क्रिएट एंड एडिटेड, एक एक स्लाइड को क्रिएट करने के लिए एंड एडिट करने के लिए हम लोग ये एरिया को यूज़ करता है। नोट्स पेन, ये नोट्स पेन कहाँ था, स्लाइड पेन के नीचे, इट इज प्रेजेंट अबव द स्टेटस बार, है ना, स्लाइड पेन के नीचे और द स्टेटस बार के जस्ट ऊपर वहाँ पर होता है नोट्स पे। इट इज यूज्ड टू एंटर स्पीकर नोट्स, ये किस लिए यूज करता है नोट्स पे, स्पीकर नोट्स एंटर करने के लिए, मतलब हम लोग स्लाइड शो के दौरान एक एक स्लाइड में जो कंटेंट है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात बोलने के लिए, उसी के लिए कुछ नोट्स लिखने वाला वो एरिया को बोलता है नोट्स पे। स्टेटस बार, इट कंटेन्स द व्यू ऑप्शंस, स्टेटस बार में क्या होता है, व्यू ऑप्शंस होता है, है ना, मतलब हम लोग को अपना स्लाइड शो को दिखाने के लिए या अपना स्लाइड शो को, अपना प्रेजेंटेशन को देखने का कुछ व्यूज। इट अलाउज यू टू जूम इन एंड जूम आउट, उसके अलावा हम लोग को अपना प्रेजेंटेशन या अपना स्लाइड्स उसको जूम इन जूम आउट भी कर सकता है, एंड यूज डिफरेंट व्यूइंग फॉर्मेट्स, अलग अलग व्यूइंग फॉर्मेट भी हम लोग को यूज करने के लिए वो हम लोग को यह स्टेटस बार से यूज कर सकते। स्लाइड्स आउटलाइन पेन, इट शोज द मिनिएचर वर्शन थंबनेल्स ऑफ द स्लाइड, इट ऑल्सो शोज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स इन द एंटायर प्रेजेंटेशन। स्लाइड्स आउटलाइन पेन, इट शोज द मिनिएचर वर्शन और द थंबनेल्स ऑफ द स्लाइड। स्लाइड्स आउटलाइन पेन वो कहाँ है, MS पावर पॉइंट का विंडो में लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड वाला यह स्लाइड आउटलाइन पेन में हर एक स्लाइड का आउटलाइन देख सकता। ये आउटलाइन मतलब क्या होता है, एक एक स्लाइड का मिनिएचर वर्शन और थंबनेल बोलता है उसको। इट ऑल्सो शो द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स इन द एंटायर प्रेजेंटेशन, उसमें हम लोग को ये स्लाइड आउटलाइन पेन में हम लोग को पूरा प्रेजेंटेशन में टोटल स्लाइड्स का ऑर्डर ये भी हम लोग को देख सकता है। हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। देर आर many ways of creating presentation in PowerPoint, MS PowerPoint में एक presentation बनाने का different method है, different ways है, these are as follows, क्या क्या method है अभी हम लोग देख लेते हैं। वन, blank presentation से, एक blank presentation से हम लोग को एक presentation को बना सकता है। recent templates, recent templates से भी बना सकता है। sample templates से भी बना सकता है। the theme presentation से, उसमें से बना सकता है। my template से बना सकता है।
न्यू फ्रम एक्सिस्टिंग एक्सिस्टिंग प्रेजेंटेशन, उसमें से भी हम लोग को एक न्यू प्रेजेंटेशन को बना सकता है। इस तरह से देर आर द सिक्स मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इट इज ए स्लाइड विद द ब्लैंक बैकग्राउंड। ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक स्लाइड मिलेगा हम लोग, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। इट ओनली कंटेन ए वाइट पेज एंड सम द प्लेस होल्डर। इन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट, बैकग्राउंड पिक्चर्स एंड अदर थिंग्स इन स्लाइड्स टू क्रिएट कस्टमाइज्ड स्लाइड। सो एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन में वी कैन इंसर्ट द टेक्स्ट, हम लोग उसमें क्या डाल सकता है, टेक्स्ट डाल सकता है और बैकग्राउंड पिक्चर डाल सकता है, डिफरेंट पिक्चर्स भी उसमें डाल सकता है और दूसरा थिंग्स, मतलब जो जो चीज़ हम लोग को एक स्लाइड में चाहिए, अपने प्रेजेंटेशन में चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग को उसमें हम लोग को डाल सकता है। ऐसा डाल करके वी कैन क्रिएट ए कस्टमाइज्ड स्लाइड, एक कस्टमाइज्ड स्लाइड शो हम लोग को बना सकता है। टू क्रिएट प्रेजेंटेशन थ्रू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो इस मेथड में, ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन मेथड में एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए स्टेप वन, जस्ट क्लिक द फाइल मेनू। सबसे पहले कहाँ क्लिक करना चाहिए, दियर ना, दिस इज द फाइल मेनू, ये फाइल मेनू में क्लिक करना है, फाइल मेनू में क्लिक करना है। तब ये बैक स्टेज व्यू ये ओपन हो जाएगा। इसमें स्टेप टू, क्लिक ऑन न्यू, है ना, यहाँ पर न्यू ऑप्शन, ये न्यू ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। न्यू न्यू ऑप्शन में क्लिक करेगा तो उसी का लेटर कमांड्स इसमें आ जाएगा, है ना। यहाँ पर स्टेप थ्री, अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स, अवेलेबल टेम्पलेट्स कैटेगरी है ये अवेलेबल टेम्पलेट्स कैटेगरी एंड द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम कैटेगरी, उसमें हम लोग को ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन देख सकता है। दिस इज द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन विच इज हाईलाइटेड। स्टेप फोर, देन प्रेस एंटर की, ये इसमें क्लिक करने के बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन कमांड को हाईलाइट करने के बाद एंटर की दबाना है, है ना, या फिर यहां पर एक बटन है क्रिएट बटन, ये क्रिएट बटन में क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने पर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन वो ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं है तो फिर एक कीबोर्ड शॉर्टकट की है, जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस एन, ना न्यू के लिए, न्यू के लिए कंट्रोल प्लस एन। तब देखिए इस तरह से एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन अभी ओपन हो गया। ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इसमें एक ही स्लाइड रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, एक वाइट बैकग्राउंड रहेगा और दो प्लेस होल्डर रहेगा, क्लिक टू आर्ड टाइटिल, क्लिक टू आर्ड सब टाइटिल, ये दो प्लेस होल्डर भी रहेगा। देन रीसेंट टेम्पलेट, इट कंटेन्स द रीसेंटली यूज्ड टेम्पलेट्स बाय द यूजर। इसमें हम लोग सबसे लास्ट जो जो टेम्पलेट यूज किया है ना, टेम्पलेट मतलब क्या है, एमएस पावर पॉइंट में कुछ मॉडल रहेगा, है ना, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का कुछ मॉडल उसमें ऑलरेडी उसमें रहेगा, उसी को बोलता है द टेम्पलेट। सो हम लोग जो लास्ट में जो टेम्पलेट यूज किया है उसी को बोलता है रीसेंट टेम्पलेट। रीसेंट टेम्पलेट में से भी हम लोग को एक न्यू प्रेजेंटेशन बना सकता है। यू कैन क्रिएट प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग एनी ऑफ दिस फाइल्स। उसी तरह हम लोग सबसे लास्ट जो टेम्पलेट चूज किया था उसी में से कोई भी एक टेम्पलेट में से हम लोग को एक न्यू प्रेजेंटेशन बना सकता है। To create a presentation through recent template, so इस method से, मतलब recent template method से हम लोग को एक new presentation create करने का steps क्या क्या है वो देख लेते हैं। Step वन, just click the file menu and then new option। सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है, file tab, है ना, file menu, the file tab, उसके बाद new में क्लिक करना चाहिए। देखिए new option, न्यू ऑप्शन के बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन के बगल में देखिए रीसेंट टेम्पलेट, रीसेंट टेम्पलेट ऑप्शन इधर में है, वो कहाँ पर है, अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स कैटेगरी, है ना, अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स, ये कैटेगरी है, ये इसमें मिलेगा, इसमें हम लोग को रीसेंट टेम्पलेट ऑप्शन इसमें है।
a recent template option में क्लिक करना चाहिए. Select any template of your choice and press enter. इसमें क्लिक करने के बाद अपना पसंद के अनुसार कोई भी एक टेम्पलेट में क्लिक करना है. उसके बाद एंटर की दबाना है अपना कीबोर्ड में. उसके बाद एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन वो ओपन हो जाएगा. वो हम लोग लास्ट यूज किया वाला वो टेम्पलेट के अनुसार है, वो मेथड में आ गया. उसी के साथ भी हम लोग को एक न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल टेम्पलेट. यू कैन क्रिएट प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग एनी ऑफ दिस फाइल. उसमें भी है ना, मतलब एमएस पावर पॉइंट में ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स दिया हुआ है, ऑलरेडी कुछ मॉडल दिया हुआ है. उसी के साथ भी हम लोग को उसमें से कोई भी एक फाइल ओपन करके भी हम लोग को एक न्यू प्रेजेंटेशन बना सकता है. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड मोर टेम्पलेट्स फ्रॉम इंटरनेट. इसके अलावा हम लोग को अगर अपना कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है तो वो इंटरनेट से भी हम लोग को ज़्यादा टेम्पलेट्स मिल जाएगा. विथ दिस यू कैन ऑल्सो क्रिएट द कंटेम्प्ररी एल्बम एक्सेट्रा. तो उसी प्रकार वो टेम्पलेट के साथ हम लोग को क्या बना सकता है, वी कैन क्रिएट द कंटेम्प्ररी एल्बम, वो भी बना सकते हैं. मतलब हम लोग को कुछ फोटो एल्बम वगैरह हम लोग को एमएस पावर पॉइंट में बना सकता है. टू क्रिएट प्रेजेंटेशन थ्रू द सैंपल टेम्पलेट. इसी प्रकार सैंपल टेम्पलेट मेथड से एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का स्टेप्स देखिए. स्टेप वन, जस्ट क्लिक द फाइल टैब ना, ये फाइल मेनू या फाइल टैब में क्लिक करना है. उसके बाद क्लिक न्यू कमांड, उसके बाद न्यू में क्लिक करना चाहिए है ना. देन न्यू, ये न्यू में क्लिक करने के बाद इधर देखिएगा, द डिफरेंट टेम्पलेट्स आर हियर ना. ये सब अलग अलग टेम्पलेट्स, office.com टेम्पलेट ना, क्या क्या है, एजेंडा, अवार्ड्स, अवार्ड सर्टिफिकेट्स, कैलेंडर्स, कंटेंट स्लाइड, डिजाइन स्लाइड्स, डायग्राम्स, एनवेलप्स, फ्लायर्स, फॉर्म्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशंस, इनवॉइसेस, लेबल्स, प्लान्स, प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट्स, रिज्यूम्स एंड सीवीज, शेड्यूल्स एक्सेट्रा. इसमें से कोई भी एक टेम्पलेट में क्लिक कीजिए. उसके बाद उसी के साथ अपना न्यू प्रेजेंटेशन को बना लीजिए. ये भी हम लोग को मिलता है अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स कैटेगरी. अवेलेबल टेम्पलेट एंड थीम्स कैटेगरी में मिलेगा ये सब. देखिए उसमें है एक, देखिए द क्लासिक फोटो एल्बम ना, द कंटेम्पररी फोटो एल्बम, द फाइव रूल्स, इंट्रोड्यूसिंग द पावर पॉइंट 2010, प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट. तरह से अलग अलग एग्जाम्पल्स इसमें है, अलग अलग मॉडल्स. इसमें से भी हम लोग को न्यू प्रेजेंटेशन बना सकता है. इसमें क्या करना चाहिए, जस्ट सेलेक्ट एनी सैम्पल टेम्पलेट ऑफ यूर चॉइस. अपना पसंद वाला कोई भी एक टेम्पलेट में क्लिक करना है. एग्जाम्पल के लिए ये विंडो में हम लोग द कंटेम्पररी फोटो एल्बम है ना, इसमें क्लिक किया है. ओके इसके अलावा क्या भी है, द क्लासिक फोटो एल्बम भी है. ओके इसमें से कोई भी एक में क्लिक करने के बाद प्रेस द एंटर की. इसके बाद क्या करना चाहिए, एंटर की को प्रेस करना है या फिर ये क्रिएट बटन में क्लिक करना चाहिए. तब देखिए तो कंटेम्पररी फोटो एल्बम वाला वो टेम्पलेट हम लोग यूज करने के बाद इस तरह से दिखेगा. मतलब ढेर सारा स्लाइड्स आएगा, उसमें वो क्या है, अलग अलग फोटो ना, फोटो एल्बम बनाने के लिए है. तो डिफरेंट फोटोज के साथ, मतलब डिफरेंट स्लाइड में हम लोग को डिफरेंट फोटोज डाल सकता है. उसके साथ कुछ कैप्शन भी ले सकता है. इस तरह से एक फोटो एल्बम बना सकता है ना. ये कंटेम्पररी फोटो एल्बम वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम लोग को वो मिल जाएगा. नेक्स्ट द थीम्स, थीम्स मेथड. द थीम्स आर द प्री डिफाइंड कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स. एक थीम मतलब उसमें क्या क्या होता है. इट कंटेन द प्री डिफाइंड कलर्स, उसमें कुछ प्री डिफाइंड कलर्स होगा है ना, उसमें कुछ प्री डिफाइंड फॉन्ट होगा, इफेक्ट होगा. ये सारा चीज को लेकर के एक थीम बन जाता है. दीज आर यूज्ड टू मेक प्रोफेशनली डिजाइंड प्रेजेंटेशन. हम लोग को बड़ा बढ़िया तरीका से एक प्रोफेशनल मेथड में एक प्रेजेंटेशन को डिजाइन करने के लिए या उस तरह से डिजाइन किया हुआ प्रेजेंटेशन वो बनाने के लिए है थीम्स. टू क्रिएट प्रेजेंटेशन थ्रू द थीम्स मेथड. ये थीम्स मेथड में एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए स्टेप वन, जस्ट क्लिक द फाइल मेनू एंड क्लिक न्यू ऑप्शन. सबसे पहले कौन सा टैब, फाइल टैब, उसके बाद न्यू ऑप्शन में क्लिक करना है. उसके बाद अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स ऑप्शन है ना, ये अवेलेबल टेम्पलेट एंड थीम्स कैटेगरी के नीचे
यू कैन सेलेक्ट द थीम्स, उसमें हम लोग को जो ऑप्शन लिखना चाहिए द थीम्स ऑप्शन लिखना चाहिए, इसमें से हम लोग को थीम्स ऑप्शन करना चाहिए। देन सेलेक्ट एनी थीम ऑफ योर चॉइस, अपना चॉइस के अनुसार कोई भी एक थीम को सेलेक्ट करना है एंड प्रेस द एंटर की, उसके बाद क्या करना चाहिए एंटर की प्रेस करना। ओके ये देखिएगा दिस इज फाइल टैब, उसमें क्लिक करने के बाद न्यू, न्यू में क्लिक करने के बाद अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स कैटेगरी में ये सब अलग अलग थीम्स है, इसमें से कोई भी एक थीम को क्लिक करना है ना। डिफरेंट थीम्स हम लोग को इस तरह से दिखता है, इसमें से कोई भी एक थीम सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद क्लिक ऑन द क्रिएट बटन और प्रेस द एंटर की। हम देखिए ब्रेन स्टॉर्म, वट इज़ द यूज़ ऑफ द थीम्स इन पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट में द थीम्स का यूज क्या है। इसका आंसर, थीम्स आर यूज्ड इन पावर पॉइंट टू मेक प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन विदाउट स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम इन फॉर्मेट, है ना। एम एस पावर पॉइंट में थीम्स यूज इसलिए करता है टू मेक द प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन, हम लोग को कुछ प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, मतलब बहुत बढ़िया तरीका से बना हुआ कुछ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करता है, थीम्स यूज़ करता है विदाउट स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम इन फॉर्मेटिंग। तो यह थीम्स यूज़ करने से हम लोग को यह फ़ायदा मिलेगा प्रेजेंटेशन को ज़्यादा फॉर्मेटिंग करने का, वो टाइम उतना ज़्यादा टाइम हम लोग को प्रेजेंटेशन को फॉर्मेटिंग करने के लिए नहीं चाहिए, ये एक फायदा है थीम्स यूज करने से। द नेक्स्ट माई टेम्पलेट्स, इट कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ टेम्पलेट्स दैट यू हैव क्रिएटेड अर्लियर अकॉर्डिंग टू यूर चॉइस, ये वो टेम्पलेट्स है दैट वी हैव क्रिएटेड अर्लियर, हम लोग उसके पहले से वो टेम्पलेट्स को बना करके अपना कंप्यूटर में वो सेव किया हुआ है, मतलब अपना चॉइस के अनुसार, अपना चॉइस के अनुसार, अपना पसंद के अनुसार, जैसे जैसे जो जो चीज़ चाहिए, जो जो फॉर्मेटिंग मेथड सब चाहिए, वो सारा चीज़ को यूज़ करके जो टेम्पलेट्स बना करके अपना कंप्यूटर में जो पहले से जो सेव किया हुआ है उसी को बोलता है माय टेम्पलेट्स कलेक्शन। टू क्रिएट प्रेजेंटेशन थ्रू माय टेम्पलेट, तो इस तरह से माय टेम्पलेट वाला मेथड में एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उसके लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट जस्ट क्लिक द फाइल मेनू एंड क्लिक न्यू, सबसे पहले क्या करना चाहिए फाइल टैब या फाइल मेनू उसमें क्लिक करना चाहिए, उसके बाद न्यू ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए, उसके बाद अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स कैटेगरी, है ना, द अवेलेबल टेम्पलेट एंड थीम कैटेगरी के नीचे यू कैन सेलेक्ट माय टेम्पलेट्स ऑप्शन, वहाँ पर क्या क्लिक करना चाहिए माय टेम्पलेट्स ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। देन स्टेप थ्री, जस्ट सेलेक्ट एनी पर्सनल टेम्पलेट एंड प्रेस एंटर, उसमें हम लोग जो टेम्पलेट्स को बना हुआ है वो सब वहाँ पर मिलेगा, उसमें से कोई एक टेम्पलेट में क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन द एंटर की या प्रेस द एंटर की, एंटर की को दबाना है या फिर द क्रिएट बटन क्लिक करना चाहिए। जैसे इधर देखिए, है ना, इसमें हम लोग जो कुछ टेम्पलेट्स हम लोग जो पहले से बना हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, अंडर द पर्सनल टेम्पलेट, पर्सनल टेम्पलेट वाला ये डायलॉग बॉक्स में। ओके उसमें से कोई भी एक टेम्पलेट में क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके बटन में क्लिक कीजिए, तब वो टेम्पलेट वो उसके अनुसार एक न्यू प्रेजेंटेशन वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। New from existing, it contains all the presentation that already exist in the computer system. ना इसमें हम लोग को जो प्रेजेंटेशन हम लोग ऑलरेडी बना करके कंप्यूटर में लोड किया हुआ है वो प्रेजेंटेशन से हम लोग को एक न्यू प्रेजेंटेशन बना सकता है। To create a presentation through new from existing, new from existing method में एक new presentation को create करने का steps देखिए। Step 1, जस्ट क्लिक द फाइल मेनू एंड देन क्लिक न्यू, सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है द फाइल मेनू में क्लिक करना है, द फाइल टैब में क्लिक करना है, उसके बाद न्यू ऑप्शन में क्लिक करना है, तब बैक स्टेज व्यू वो ओपन हो जाएगा, उसके बाद अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स कैटेगरी के अंडर, अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स कैटेगरी यू कैन सेलेक्ट न्यू फ्रॉम एक्सिस्टिंग प्रेजेंटेशन, ना उसमें से हम लोग को न्यू फ्रॉम एक्सिस्टिंग प्रेजेंटेशन वो ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देन सेलेक्ट एनी एक्सिस्टिंग टेम्पलेट ऑफ यूर चॉइस, के बाद अपना पसंद के अनुसार कोई भी एक टेम्पलेट में एक एक्सिस्टिंग टेम्पलेट उसको सेलेक्ट करना है एंड देन प्रेस द एंटर की, उसके बाद कीबोर्ड से कौन सा की प्रेस करना है एंटर की प्रेस करना है। ये देखिएगा, है ना,
इसी तरह से न्यू फ्रॉम एक्सिस्टिंग टेम्पलेट, उसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें अपना कंप्यूटर में जो प्रेजेंटेशन है वो सही तरह में आ जाएगा ना। अभी इसमें दो प्रेजेंटेशन है, ये दोनों में से जो जो प्रेजेंटेशन चाहिए वो उसमें क्लिक करने के बाद प्रेस द एंटर की ऑन द कीबोर्ड, नहीं तो हम बढ़ा करके ये ओपन बटन में क्लिक करना। टू इंसर्ट न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए ना, मतलब हम लोग को एक प्रेजेंटेशन में ढेर सारा स्लाइड चाहिए, तो एक प्रेजेंटेशन में सबसे पहले एक स्लाइड आएगा, उसी का काम वो सब होने के बाद, वो पूरा होने के बाद एक और स्लाइड, एक न्यू स्लाइड उसमें कैसे इंसर्ट करेगा उसका स्टेप्स है। ऑन द होम टैब इन द स्लाइड्स ग्रुप क्लिक न्यू स्लाइड, होम टैब के नीचे स्लाइड्स ग्रुप में जा कर के न्यू स्लाइड में क्लिक करना है, न्यू स्लाइड ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। देन सेकेंड स्टेप, सेलेक्ट ए स्लाइड थंबनेल फ्रॉम द लेआउट गैलरी, तो वहाँ पर एक लेआउट गैलरी वो ओपन हो जाएगा, उसी में से एक स्लाइड थंबनेल में क्लिक करना है, जैसा स्लाइड चाहिए वो थंबनेल में क्लिक करना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो प्रेस कंट्रोल प्लस एम टू इंसर्ट न्यू स्लाइड ना। इसके अलावा एक शॉर्टकट की भी है, वो क्या है, स्टेप प्रेस कंट्रोल की प्लस एम, द कंट्रोल प्लस एम, यह है न्यू स्लाइड का शॉर्टकट की ना। बाकी सब चीज़ में हम लोग न्यू के लिए, न्यू पेज के लिए, न्यू के लिए हम लोग क्या शॉर्टकट की यूज़ करता है, द कंट्रोल प्लस एन है, लेकिन एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एन नहीं है, कंट्रोल प्लस एम है न्यू स्लाइड के लिए। तो फाइल टैब है ना, फाइल टैब के नीचे न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड बटन दबाना है, इसमें क्लिक करने से एक न्यू स्लाइड आ जाएगा। यूज ऑफ लेआउट एंड ऑटो शेप, लेआउट एंड ऑटो शेप उसका यूज वो देखना है। लेआउट इट इज ए सिंबल डिजाइन, लेआउट मतलब क्या होता है, एक सिंबल डिजाइन होता है। इट शोज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड, वो एक स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट का पोजिशन वो दिखाने के लिए है ना, उसी को बोलता है लेआउट। एक स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट वो कहाँ कहाँ चाहिए उसको बोलता है लेआउट। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट, लेआउट में अलग अलग प्रकार का लेआउट ऑप्शन हम लोग को मिल जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रॉ ए चार्ट ऑन ए स्लाइड, यू हैव टू सेलेक्ट स्लाइड लेआउट रिलेटेड टू द चार्ट फ्रॉम स्लाइड लेआउट पेज, हम लोग को एक स्लाइड में एक चार्ट ड्रॉ करना है तो उसके लिए एक स्लाइड लेआउट मिलेगा, उसी के अनुसार वो चार्ट वाला एक स्लाइड लेआउट वो हम लोग को यूज कर सकता है फ्रॉम द स्लाइड लेआउट पेज ना। वो स्लाइड लेआउट पेन से हम लोग को एक चार्ट वाला स्लाइड का लेआउट यूज कर सकता है। स्लाइड लेआउट पेन में कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स, उसी प्रकार इन द स्लाइड लेआउट पेन, वो स्लाइड लेआउट पेन में अलग अलग प्रकार का स्लाइड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज द टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शन फ्रॉम द ऑफिस थीम इन विच फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड, फॉर एग्जाम्पल के लिए वी कैन यूज द टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शन ना, हम लोग को एक स्लाइड लेआउट ऐसा है द टाइटल एंड कंटेंट, वो टाइटल एंड कंटेंट वाला वो स्लाइड लेआउट ऑप्शन हम लोग को यूज कर सकता है। इन विच द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड, उसमें हम लोग को इस तरह का सारा ऑब्जेक्ट हम लोग को यूज कर सकता है वो स्लाइड में, वो क्या क्या यूज कर सकता है, एक टेबल यूज कर सकता है, एक चार्ट इंसर्ट कर सकता है, वन क्लिप आर्ट इमेज इंसर्ट कर सकता है, मीडिया क्लिप इंसर्ट कर सकता है, स्मार्ट आर्ट द पिक्चर, ये सारा चीज़ हम लोग को इस तरह से एक टाइटल एंड कंटेंट वाला वो लेआउट वाला एक स्लाइड में इंसर्ट कर सकता है। जनरली इफ यू ओपन एनी न्यू स्लाइड द स्लाइड लेआउट विल ओपन ऑटोमेटिकली ना, जनरली अगर हम लोग एक न्यू स्लाइड ओपन करने के समय ना, एक न्यू स्लाइड को ओपन करने के समय द स्लाइड लेआउट विल ओपन ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली द स्लाइड लेआउट भी वो वहाँ पर क्या होता है, ओपन होता है। यू हैव टू सेलेक्ट द टाइप लेआउट अकॉर्डिंग टू द स्लाइड यू वॉन्ट टू प्रिपेयर, उसमें हम लोग को जैसे स्लाइड चाहिए, जैसे लेआउट हम लोग को यूज़ करना है एक स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए, वो स्लाइड में हम लोग क्या क्या इंसर्ट करना चाहता है उसी के अनुसार एक न्यू स्लाइड लेआउट, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या क्या ऑब्जेक्ट डालना है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार एक लेआउट हम लोग को चूज कर सकता है। स्टेप्स टू अप्लाई द स्लाइड लेआउट आर गिवन बिलो, तो एक स्लाइड लेआउट को अप्लाई करने का स्टेप वो इस तरह से है।
वन, जस्ट क्लिक ऑन होम रिबन, है ना, होम टैब में क्लिक करना है, रिबन में जाकर होम टैब में क्लिक करना है, देन सेलेक्ट लेआउट टूल, उसके बाद लेआउट वाला उसका ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करना है, वो लेआउट में क्लिक करने से ये ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा, है ना, ये पैनल खुल जाएगा, एंड पुल डाउन लिस्ट विल अपीयर, इस तरह का जो लिस्ट को बोलता है पुल डाउन लिस्ट, ना ये इसमें क्लिक करने के बाद इसका नीचे में आने वाला द पुल डाउन लिस्ट वो आ जाएगा। सेलेक्ट द डिजायर्ड लेआउट, इसमें से जो लेआउट चाहिए, ना इसमें हम लोग को अलग अलग प्रकार का लेआउट हम लोग को देख सकता है, इसमें से जो लेआउट चाहिए उसमें क्लिक करना चाहिए एंड प्रेस द एंटर की, उसके बाद कीबोर्ड में एंटर की प्रेस करना है। देखिए क्या क्या है, द टाइटल, ना टाइटल एंड कंटेंट, द कंपैरिजन टू कंटेंट, टाइटल ओनली, ब्लैंक स्लाइड, ओके द कंटेंट विथ, इस तरह के अलग अलग प्रकार का लेआउट, द स्लाइड लेआउट हम लोग को मिल जाएगा, उसमें से कोई भी एक में क्लिक करने के बाद एंटर में प्रेस करना है, एंटर की प्रेस करना है। द नेक्स्ट द क्लिप पार्ट, इट इज ए पिक्चर गैलरी विच कंटेन्स द क्लिप्स रिलेटेड टू डिफरेंट कैटेगरीज, ना क्लिप पार्ट मतलब क्या होता है, वो एक पिक्चर गैलरी है, उसमें हम लोग को अलग अलग प्रकार का पिक्चर देख सकता है, ना एक पिक्चर गैलरी विच कंटेन्स द क्लिप्स रिलेटेड टू डिफरेंट कैटेगरीज, उसमें हम लोग को डिफरेंट कैटेगरी वाला क्लिप्स मिलेगा, है ना, द क्लिप्स मतलब द पिक्चर मिलेगा, एग्जाम्पल स्कूल रिलेटेड, देन कंप्यूटर रिलेटेड, बस रिलेटेड वाला पिक्चर्स हम लोग को मिल जाएगा। द मेथड टू इंसर्ट क्लिप आर्ट इज एज फॉलोस, एक क्लिप आर्ट पिक्चर इंसर्ट करने का वो मेथड वो इस तरह से है। स्टेप वन, जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑन द रिबन, हम लोग रिबन में जाकर के इंसर्ट टैब में क्लिक करना है, देन सेलेक्ट द क्लिप आर्ट ऑप्शन, उसके नीचे में कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, क्लिप आर्ट ऑप्शन में, ना इंसर्ट टैब के नीचे क्लिप आर्ट ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। नाउ ए पेन रिलेटेड टू क्लिप आर्ट विल अपीयर ऑन राइट हैंड, तब स्क्रीन का राइट साइड में एक पेन आएगा, ये पेन रिलेटेड टू क्लिप आर्ट, ये क्लिप आर्ट वाला एक पेन आ जाएगा। द सर्च बॉक्स विल अपीयर, है ना, उसी में वो पेन में एक सर्च बॉक्स मिलेगा। नाउ टाइप द की वर्ड फॉर विच यू आर लुकिंग द इमेज, वहां पर हम लोग को क्या चीज का इमेज चाहिए, क्या चीज का पिक्चर चाहिए, उसी का की वर्ड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट अ पिक्चर ऑफ ए स्कूल, और हम लोग को एक स्कूल का पिक्चर चाहिए, तो हम लोग को वहाँ पर लिखना चाहिए स्कूल, स्कूल लिखना है। ओके, इफ यू वांट द पिक्चर ऑफ ए कंप्यूटर वी हैव टू टाइप द कंप्यूटर वर्ड, द कंप्यूटर वर्ड को लिखना है, है ना। अगर बस का पिक्चर चाहिए तो बस लिखना है, ऐसा वो कीबोर्ड लेने के बाद प्रेस द एंटर, उसके बाद कीबोर्ड में से एंटर को प्रेस करना है। डू यू नो You can change the size of a picture by clicking and dragging the circles that appear on the corners and slides of the picture. You know, we can change the size of a picture. एक picture डालने के बाद उसका size को change कर सकता है. You know, उसके लिए क्या करना चाहिए? By clicking and dragging the circles that appear on the corners and sides of the picture. उसके लिए वो एक picture डालने के बाद वो picture का अलग-अलग corner में small circles मिलेगा. वो सर्कल में क्लिक करके खींचना है ना, वो सर्कल में क्लिक करके अंदर बाहर या लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो साइड में खींचेगा उसी प्रकार वो पिक्चर का साइज बड़ा हो जाएगा, बड़ा या छोटा हो जाए, उसी प्रकार हम लोग को एक पिक्चर का साइज चेंज कर सकता है। एक ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन है, कैन ए फोटोग्राफ टेकन विद ए मोबाइल कैमरा बी कॉल्ड ए क्लिप, ना क्या एक मोबाइल कैमरा में खींचा हुआ एक फोटो उसको एक क्लिप बोल सकता है, वो एक क्लिप है? उसका आंसर यस, ए फोटोग्राफ टेकन विद ए मोबाइल कैमरा कैन बी कॉल्ड ए क्लिप, है ना, एक मोबाइल कैमरा में खींचा हुआ एक फोटो उसको भी हम लोग को क्या बोल सकता है, एक क्लिप बोल सकता है। नेक्स्ट है स्मार्ट ऐप, इट इज अ ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग यूअर द टेक्सचुअल डाटा, है ना, हम लोग को अपने टेक्सचुअल डाटा को एक ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है स्मार्ट ऐप। Example, organization chart, flow chart, Venn diagrams, pyramids. All these are examples of smart chart graphics. This tool also have their own custom animation built in. ये टूल में उसके अंदर में अपना they have their own custom animation. ना इसमें अपना animation भी होता है. It also improve the
एस्थेटिक लुक ऑफ प्रेजेंटेशन ना, इस तरह का स्मार्ट आर्ट भी ऐड करने से अपना प्रेजेंटेशन का एक ओवरऑल लुक, एक एस्थेटिक लुक वो इम्प्रूव करेगा स्मार्ट आर्ट का यूज। सर देखिए इंसर्ट ऐप के नीचे ना यहाँ पर होता है स्मार्ट आर्ट बटन, ये स्मार्ट आर्ट में क्लिक करने के बाद अलग अलग प्रकार का स्मार्ट आर्ट डायग्राम हम लोग को मिल जाएगा। देन द टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में कितना प्रकार का डायग्राम्स होता है, क्या क्या होता है, देर आर 8 कैटेगरीज ऑफ स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट टोटल 8 कैटेगरीज है, 8 कैटेगरीज ऑफ स्मार्ट आर्ट होता है। ईच कैटेगरी हैज न्यूमरस डिजाइन, उसमें हर कैटेगरी में ढेर सारा डिजाइन भी होता है जिसमें से हम लोग को एक एक स्मार्ट आर्ट डायग्राम को चूज कर सकता है। वन लिस्ट है ना, कैटेगरी का नाम है लिस्ट। टू प्रोसेस कैटेगरी। थ्री रिसाइकल कैटेगरी। फोर हायरार्की कैटेगरी। फाइव रिलेशनशिप कैटेगरी। सिक्स मैट्रिक्स कैटेगरी। सेवन द पिरामिड कैटेगरी एंड 8 पिक्चर कैटेगरी। इतना प्रकार का स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स होता है। देखिए चूज ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स, यह है चूज ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स, इसमें ये सारा प्रकार का कैटेगरीज इसमें है, एक कैटेगरी में क्लिक करने के बाद उसी का डिफरेंट स्मार्ट आर्ट डायग्राम्स वो यहाँ पर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या दिखाया हुआ है, ऑल कैटेगरी, मतलब ये पूरा कैटेगरी वाला एक ही बार में ये स्क्रीन में आ जाएगा, ये स्क्रॉल बार में क्लिक करने से हम लोग को नीचे नीचे वाला वो डायग्राम्स हम लोग को देख सकता है। देन इसमें से कोई भी एक स्मार्ट आर्ट डायग्राम में क्लिक करने के बाद ओके बटन में क्लिक करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लिस्ट वाला कैटेगरी, लिस्ट वाला कैटेगरी में ये सब ऑप्शन है, इसमें से फर्स्ट डायग्राम को क्लिक किया हुआ है वो इस तरह से होगा, उसका प्रीव्यू यहाँ पर देख सकता है ना, यहाँ पर उसका प्रीव्यू देख सकता है। इसमें टोटल कितना बॉक्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 बॉक्सेस है, जिसमें हम लोग को जो मैटर लिखना चाहिए वो मैटर हम लोग को लिख सकता है। इस तरह का एक स्मार्ट आर्ट हम लोग को अपना स्लाइड में यूज कर सकता है। वेड आर्ट, इट इज़ यूज टू शो द टेक्स्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, वेड आर्ट में अपना टेक्स्ट, अपना टेक्स्ट, अपना सेंटेंस, अपना वर्ड्स वो हम लोग को डिफरेंट फॉर्म में हम लोग को दिखाने के लिए, अलग अलग मेथड में दिखाने के लिए। इट इज़ अ वेड आर्ट गैलरी विच कंटेन्स डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग वर्ड्स, एक वेड आर्ट गैलरी होता है उसमें हम लोग को अलग अलग प्रकार में अपना सेंटेंस को लिख सकता है ना, डिफरेंट स्टाइल में अपना वर्ड को, अपना सेंटेंस को लिख सकता है। स्टेप्स ऑफ राइटिंग वेड आर्ट आर आज फॉलो, तो हम लोग को वेड आर्ट यूज करने का स्टेप्स वो क्या क्या है, देखिए वन जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट रिबन देन सेलेक्ट वेड आर्ट, सबसे पहले इंसर्ट टैब में क्लिक करना है ना, इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद देन वेड आर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, देन सेलेक्ट द डिजायरेबल स्टाइल एंड क्लिक ओके। उसके बाद हम लोग को जो स्टाइल हम लोग को ज़्यादा पसंद है वो सेंटेंस के लिए, वो हेडिंग के लिए जो स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगेगा उसमें क्लिक करने के बाद ओके बटन में क्लिक करना। ओके बटन में क्लिक करने के बाद जो सेंटेंस लिखना चाहता है, जो वर्ड हम लोग को चाहिए वो सेंटेंस को लिखना है, नाउ टाइप द टेक्स्ट, वो सेंटेंस को लिखना है या वो वर्ड को लिखना है। इसे देखिए इसमें इंसर्ट आर्ट के नीचे ये है वेड आर्ट, ये वेड आर्ट में क्लिक करने के बाद अलग अलग स्टाइल वाला एक ड्रॉप डाउन मेनू इधर पर ओपन हो जाएगा, इसमें से कोई भी एक स्टाइल में क्लिक कीजिए। एग्जाम्पल के लिए ये पिक्चर में हम लोग ये वाला स्टाइल चूज किया हुआ है, ये सेकंड स्टाइल, ये स्टाइल में ये हेडिंग लिखा हुआ है, ओके इंसर्टिंग गैलरी ये सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट टू सेव प्रेजेंटेशन, हम लोग को अपना काम पूरा होने के बाद, एक स्लाइड शो बनाने के बाद अपना प्रेजेंटेशन को क्या करना चाहिए, वी हैव टू सेव इट, प्रेजेंटेशन इज सेव्ड सो दैट वन कैन यूज इट इन द फ्यूचर। इस तरह से हम लोग ये प्रेजेंटेशन को सेव क्यों करता है, तो वो एक आदमी को, एक यूजर उसको बाद में भी यूज कर सकता है, इसलिए देर आर मेनी वेज टू सेव द प्रेजेंटेशन। तो हम लोग को एक प्रेजेंटेशन को सेव करने का डिफरेंट मेथड है, वो क्या क्या है, वन थ्रू द फाइल मेनू है ना, वो कैसा है, द फाइल मेनू में जाके। टू ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, या फिर कहाँ पर भी होता है, द क्विक एक्सेस टूल बार में भी होता है द सेव बटन, बाय क्लिकिंग द सेव बटन। और थ्री प्रेस द कंट्रोल प्लस यस टू सेव प्रेजेंटेशन, नहीं तो फिर लास्ट मेथड क्या है, यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट ना, टू सेव करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है,
कंट्रोल प्लस यस। ये तीन मेथड में से कोई भी एक मेथड में हम लोग को अपने प्रेजेंटेशन को वी कैन सेव इट। देन सेव प्रेजेंटेशन थ्रू द फाइल मेनू। फाइल मेनू से हम लोग अपना प्रेजेंटेशन को कैसे सेव करना है उसका स्टेप्स देखिए। फर्स्ट जस्ट क्लिक द फाइल मेनू। सबसे पहले कहाँ क्लिक करना चाहिए? द फाइल मेनू या द फाइल टैब में क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक सेव एंड द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद हम लोग कहाँ क्लिक करना चाहिए? द सेव बटन में क्लिक करना है। उसके बाद द सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वो डायलॉग बॉक्स में फ्रॉम सेव इन पुल डाउन लिस्ट सेलेक्ट द डिसाइड लोकेशन टू सेव। उसमें एक ऑप्शन है सेव इन ना, उसके सामने वाला आरो में क्लिक करके एक लोकेशन सेलेक्ट करना है। अपना फाइल को, अपना प्रेजेंटेशन को अपना कंप्यूटर में कौन सा लोकेशन में उसको सेव करना है वो लोकेशन को सेलेक्ट करना है, एक डिसाइड लोकेशन सेलेक्ट करना। उसके बाद इन द फाइल नेम बॉक्स एंटर द न्यू नेम फॉर द प्रेजेंटेशन। उसके बाद इन द फाइल नेम बॉक्स, वो फाइल नेम बॉक्स में जा करके एक न्यू नेम देना चाहिए अपने प्रेजेंटेशन के लिए, एक न्यू नेम देना चाहिए। इन द सेव एज टाइप लिस्ट सेलेक्ट द फाइल फॉर्मेट दैट यू वांट एंड देन क्लिक सेव। उसके बाद उसके भी नीचे एक ऑप्शन है द सेव एज टाइप। द सेव एज टाइप लिस्ट में जा करके एक फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, जो फॉर्मेट हम लोग को चाहिए वो फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद देन क्लिक द सेव बटन। उसके बाद कौन सा बटन में क्लिक करना है? द सेव बटन में क्लिक करना चाहिए। तो अपना फाइल क्या हो जाएगा? इट विल बी सेव्ड। देखिए यह है सबसे पहले फाइल टैब, उसके बाद द सेव ऑप्शन है ना, वो क्लिक करने के बाद द सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा, फाइल टैब, उसके बाद सेव बटन। यह है वो मेथड। द नेक्स्ट ओपन एन एक्सिस्टिंग प्रेजेंटेशन है ना, एक एक्सिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करने का स्टेप्स देखिए। इसमें क्या है? सबसे पहले द फाइल टैब में क्लिक करना है, उसके बाद ओपन ऑप्शन में जाना है, तब ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ओपन डायलॉग बॉक्स में जो फाइल चाहिए उसमें क्लिक करने के बाद ओपन बटन में क्लिक करना चाहिए है ना। उसका स्टेप्स देखिए। यू कैन ओपन द सेव्ड प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। ओपन एक्सिस्टिंग प्रेजेंटेशन है मतलब जो ऑलरेडी हम लोग अपना कंप्यूटर में लोड किया हुआ है, सेव किया हुआ है, उसी को फिर दोबारा दूसरा टाइप में ओपन करने के लिए, उसके लिए स्टेप्स देखिए। स्टेप वन, जस्ट क्लिक द फाइल मेनू ना, द फाइल मेनू या द फाइल टैब में क्लिक करना है, देन क्लिक ओपन, उसके बाद ओपन ऑप्शन में क्लिक करना है ना, ओपन ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। तब एक ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एक ओपन डायलॉग बॉक्स, इस तरह का ओपन डायलॉग बॉक्स वहां पर आ जाएगा। देन सेलेक्ट द डिसाइड प्रेजेंटेशन एंड क्लिक ओपन, उसमें से जो प्रेजेंटेशन चाहिए उसमें क्लिक करने के बाद ओपन बटन में क्लिक करना चाहिए और प्रेस कंट्रोल प्लस ओ फ्रॉम द कीबोर्ड। ये ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट की है, वो क्या है? कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ, इसमें क्लिक करने से भी हम लोग को ये ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकता है, उसके बाद हम लोग अपना फाइल को ओपन कर सकते। देन a fact file, a powerpoint presentation is stored as a file with .pptx extension. एक powerpoint presentation उसको store करता है, उसको save करता है with the extension .pptx, .pptx extension के साथ एक powerpoint presentation को save कर। ये pptx extension मतलब क्या है? और हम लोग एक presentation को save करने के समय एक नाम देगा ना, for example के लिए school ना, school एक नाम दिया है ना, it is the file name, वो हमारा क्या है? The file name है स्कूल के बाद school.pptx, इस तरह से होता है उसका एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन हम लोग को देने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाएगा। हम लोग को सिर्फ क्या लिखना है? स्कूल लिखना है। स्कूल लिखने के बाद .pptx वो ऑटोमेटिकली वो नेम के साथ उसका एक्सटेंशन होकर के वो उसके साथ वो भी आ जाएगा। देन व्यूज ऑफ द पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के समय अलग अलग व्यूज, डिफरेंट व्यूज क्या क्या है? द स्लाइड्स इन पावर पॉइंट कैन बी सीन इन डिफरेंट वेज, दिस इज कॉल्ड व्यू। हम लोग को एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स हम लोग अलग अलग प्रकार में देख सकता है, उसी को बोलता है व्यू। यू कैन सेलेक्ट द व्यूज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अपना क्या जरूरत है उसके अनुसार हम लोग को ये व्यूज यूज कर सकता है। ओके okay, उसमें से हम लोग कौन सा व्यू चाहिए वो व्यू हम लोग को वी कैन सेलेक्ट इट। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज सर, हम लोग अलग अलग प्रकार का व्यू मिलेगा। क्या क्या व्यू है? नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू, मास्टर व्यू,
इस तरह से अलग अलग प्रकार का व्यू हम लोग को एमएस पावर पॉइंट में मिलता है। सबसे पहले नॉर्मल व्यू, इट इज द डिफॉल्ट एंड मेन व्यू वेयर यू कैन एडिट राइट एंड डिजाइन योर प्रेजेंटेशन। नॉर्मल व्यू है एमएस पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू ना, डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू है और उसका मेन व्यू भी नॉर्मल व्यू। ये व्यू में हम लोग को वी कैन एडिट द प्रेजेंटेशन, हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को एडिट कर सकता है। वी कैन राइट द प्रेजेंटेशन, हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को लिख सकता है। एंड वी कैन डिजाइन अवर प्रेजेंटेशन, अपना प्रेजेंटेशन को उसका डिजाइनिंग भी कर सकते। टिपिकली नॉर्मल व्यू इंक्लूड्स द स्लाइड्स और आउटलाइन पेन ऑन द लेफ्ट। इसमें हम लोग को ये नॉर्मल व्यू में स्लाइड्स या आउटलाइन पेन वो रहेगा लेफ्ट साइड, स्क्रीन का लेफ्ट साइड में द स्लाइड पेन रहेगा या द आउटलाइन पेन रहेगा। बाय डिफॉल्ट द स्लाइड पेन रादर दैन द आउटलाइन पेन इज एक्टिव ना, जनरली उसमें बाय डिफॉल्ट मेथड में द स्लाइड पेन उसमें एक्टिव रहेगा। एंड यू कैन यूज दिस पेन टू सेलेक्ट स्लाइड्स, ये पेन में से हम लोग को अलग अलग स्लाइड को सेलेक्ट करने के लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट द स्लाइड सॉर्टर व्यू, इट इज अ व्यू दैट प्रोवाइड्स यू ए व्यू ऑफ यूर स्लाइड्स इन थंबनेल फॉर्म। ये एक ऐसा व्यू है हम लोग को अपना प्रेजेंटेशन का अलग अलग स्लाइड्स हम लोग को इन द थंबनेल फॉर्म है ना, मतलब ये मिनिएचर फॉर्म, ये थंबनेल फॉर्म में हम लोग को पूरा स्लाइड्स देख सकता है इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू। दिस व्यू मेक्स इट ईजी फॉर यू टू सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस ऑफ यूर स्लाइड्स। ये व्यू में हम लोग को अपना प्रेजेंटेशन का स्लाइड्स उसका सीक्वेंस, उसका ऑर्डर, वो ऑर्डर को चेंज करने के लिए, ऑर्डर चेंज करके अपना प्रेजेंटेशन का स्लाइड्स को बढ़िया तरीका से टू सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज वो करने के लिए बहुत आसान है इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू में। दिस व्यू डज नॉट अलाउ एडिटिंग ऑफ द मटीरियल प्रेजेंट ऑन द स्लाइड है ना। ये स्लाइड सॉर्टर व्यू में एक एक स्लाइड में जो मटीरियल्स है उसको हम लोग को एडिट नहीं कर सकता है। यह है स्लाइड सॉर्टर व्यू का इम्पोर्टेंट। नोट्स पेज व्यू, द स्लाइड सेलेक्टेड इन दिस व्यू अपीयर्स ऑन द टॉप कॉर्नर एंड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्लाइड कैन बी रिटन एट द बॉटम पोर्शन है ना। ये नोट्स पेज व्यू में द स्लाइड सेलेक्टेड इन दिस व्यू, ये व्यू में हम लोग एक स्लाइड सेलेक्ट करेगा तो इट अपीयर्स ऑन द टॉप कॉर्नर, ये ऊपर में एक कॉर्नर में आ जाएगा। एंड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्लाइड कैन बी रिटन एट द बॉटम पोर्शन, उसका नीचे वाला पोर्शन में वो स्लाइड में जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है वो भी हम लोग को देख सकता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड नोट्स। इस तरह से नीचे साइड में आने वाला वो इन्फॉर्मेशन को क्या बोलता है, नोट्स बोलता है। यू कैन ऑल्सो प्रिंट नोट्स टू हैंड आउट टू यूर ऑडियंस और इंक्लूड द नोट्स इन ए प्रेजेंटेशन दैट यू सेंड टू द ऑडियंस। हम लोग को ये नोट्स को क्या कर सकता है, वी कैन प्रिंट इट, वी कैन प्रिंट द नोट्स टू हैंड आउट। हम लोग को ये नोट्स को प्रिंट करके क्या बना सकता है, हैंड आउट बना सकता है टू अवर ऑडियंस, वो अपना ऑडियंस के लिए। और वी कैन इंक्लूड द नोट्स इन ए प्रेजेंटेशन दैट यू सेंड टू द ऑडियंस, नहीं तो ये नोट्स हम लोग को अपना प्रेजेंटेशन में भी क्या कर सकता है, इंक्लूड कर सकता है, वो भी हमारा ऑडियंस के लिए है। देन रीडिंग व्यू, दिस शोस द स्लाइड विथ इन द विंडो एंड दिस व्यू इज यूज्ड टू डू प्रूफ रीडिंग है ना। इसमें हम लोग को एक एक स्लाइड को एक एक विंडो में देख सकता है। ये जनरली किस लिए यूज करता है, इट इज़ यूज टू डू द प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मतलब एक बार वो अपना प्रेजेंटेशन को दूसरा के सामने, मतलब द ऑडियंस के सामने दिखाने के पहले एक बार उसका प्रूफ देखने के लिए, वो प्रूफ रीडिंग के लिए रीडिंग व्यू बहुत अच्छा है। दिस व्यू इज यूज टू डिलीवर प्रेजेंटेशन नोट टू एन ऑडियंस बाई ए लार्ज स्क्रीन फॉर एग्जाम्पल है ना। ये रीडिंग व्यू अपना प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के सामने दिखाने के लिए नहीं, मतलब एक लार्ज स्क्रीन में दिखाने का व्यू नहीं है रीडिंग व्यू, बट इंस्टेड टू समवन व्यूइंग योर प्रेजेंटेशन ऑन द कंप्यूटर। लेकिन इसमें हम लोग को क्या कर सकता है, एक कंप्यूटर का स्क्रीन में दूसरा को दिखा सकता है ना, एक लैपटॉप का स्क्रीन में यह व्यू हम लोग को दूसरा को दिखाने के लिए यूज कर सकता है। द नेक्स्ट स्टेप मास्टर व्यू, इट इंक्लूड्स स्लाइड हैंड आउट एंड नोट्स ना, इसमें स्लाइड हैंड आउट नोट्स ये तीनों होता है। These are the main slides that are store information about the presentation including background, color, font, effect, placeholder sizes and the positions. These are the main slides. A master view, the master slide. These are the main slide. A master slide hai uska main slide. That store information about the presentation. Isme hum log kya karta hai? To presentation ke bare mein information isme rehta hai. That means including the background na. Ek ek slide ka background jo chahiye wo, the color, the font, effect, the placeholder ka size and their position.
ये सब कुछ हम लोग को ये मास्टर व्यू में अरेंज कर सकते हैं। इन दिस यू कैन मेक यूनिवर्सल स्टाइल चेंजेस टू एवरी स्लाइड नॉट स्पेज हैंड आउट एसोसिएटेड विद योर प्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग क्या भी कर सकता है, वी कैन मेक यूनिवर्सल स्टाइल चेंजेस। यूनिवर्सल स्टाइल चेंज मतलब क्या है, एक बार कोई भी चेंज करेगा तो वो पूरा स्लाइड के लिए, एक चेंज करेगा तो वो पूरा स्लाइड के लिए अप्लाई हो जाएगा। जैसे वो पूरा स्लाइड के लिए भी अप्लाई कर सकता है, या फिर और नोट्स के लिए, और पेज के लिए, और ऑल द हैंड आउट्स के लिए। इस तरह से एक चेंज वो पूरा के लिए चाहिए, तो ये सब लोग मास्टर व्यू में करता है। देन एक्सिटिंग द पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में से बाहर आने के लिए, मतलब पावर पॉइंट को क्रॉस करने का स्टेप्स क्या क्या। यू कैन एक्सिट द पावर पॉइंट व्हेन यू कंप्लीट एंड सेव योर टास्क। अपना जो काम है एमएस पावर पॉइंट में, जो टास्क है उसको कंप्लीट करके सेव करने के बाद हम लोग एमएस पावर पॉइंट से क्या भी कर सकता है, एक्सिट भी कर सकता है। द डिफरेंट वेज टू एक्सिट फ्रॉम पावर पॉइंट आर गिवन बिलो। हम लोग को एमएस पावर पॉइंट को क्लोज करने का, एमएस पावर पॉइंट से बाहर आने का स्टेप्स को इधर दिया हुआ है। स्टेप वन, जस्ट क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड सेलेक्ट क्लोज ऑप्शन। एक मेथड क्या है, गो टू द फाइल टैब या गो टू द फाइल मेनू देन क्लिक द क्लोज ऑप्शन। ऐसा क्लिक करेगा तो अपना प्रेजेंटेशन वो क्लोज हो जाएगा। सेकंड, देन क्लिक ऑन द क्रॉस बटन प्रेसेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टाइटल बार। ना वो टाइटल बार के राइट हैंड साइड में, राइट कॉर्नर में एक क्लोज बटन है, उसमें क्लिक करने से भी अपना प्रेजेंटेशन क्लोज होता है। देन नेक्स्ट मेथड, प्रेस आल्ट प्लस F4 कीज टुगेदर। आल्ट प्लस F4 वाला कीबोर्ड शॉर्टकट की, उससे भी हमारा जो प्रेजेंटेशन वो क्या होता है, इट विल बी क्लोज्ड। Let us recall, the PowerPoint is an application software used to make effective presentation. MS PowerPoint, वो क्या है, एक application software है ना, Microsoft company के द्वारा बनाया हुआ एक application software है MS PowerPoint. It is used to make effective presentation. ये हम लोग किस लिए यूज़ करता है, effective presentations बनाने के लिए यूज़ करता है। A presentation is composed of different slides. एक presentation में अलग अलग प्रकार का slides होता है ना, एक प्रेजेंटेशन का हर पेज को क्या बोलता है, स्लाइड्स बोलता है। एनिमेशन इज द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट है ना, मतलब हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने के लिए या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कुछ मूवमेंट का इफेक्ट देने के लिए उसको हम लोग बोलता है एनिमेशन। देर आर 8 कैटेगरीज ऑफ स्मार्ट आर्ट इन पावर पॉइंट ना, इन पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट भी होता है, और स्मार्ट आर्ट टोटल 8 कैटेगरी का स्मार्ट आर्ट होता है। देन Control plus M key is used to insert new slide in presentation. हम लोग एक presentation में एक new slide को insert करने के लिए shortcut key, वो क्या है, Control plus M. These are the important points of this chapter. The next exercise, multiple choice question. Which is a presentation software? एक presentation software इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए द पावर पॉइंट। सेकेंड, हाउ मेनी व्यूज डस द पावर पॉइंट हैज ना, ये पावर पॉइंट में टोटल कितना व्यू है, ऑप्शन सी 5। थ्री, इन विच व्यू यू कैनॉट ऐड द स्लाइड मटीरियल, इसमें से कौन सा व्यू में हम लोग को द स्लाइड मटीरियल्स ऐड नहीं कर सकता है, कौन सा व्यू में है, ऑप्शन ए द स्लाइड शो व्यू। फोर, प्रेजेंटेशन कैन बी मेड बाई हाउ मेनी मेथड्स, बस पावर पॉइंट में द प्रेजेंटेशन ये हम लोग को कितना मेथड में बना सकता है, तो कितना मेथड में बना सकता है, ऑप्शन सी द 6 मेथड। 5, हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में टोटल कितना कैटेगरी है, ऑप्शन बी द 6 कैटेगरी ना, इसका आंसर फिर से आया है 1 का आंसर ये, दूसरा का आंसर सी, 3 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बी, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पावर पॉइंट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मेक इफेक्टिव डैश। पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो यूज करता है इफेक्टिव डैश बनाने के लिए, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। As the film is made of many incidents, the same way presentation is made of many dash. जैसे एक फिल्म ढेर सारा इंसिडेंट से भरा हुआ है, इंसिडेंट से बनाया हुआ है, उसी प्रकार एक प्रेजेंटेशन में ढेर सारा क्या होता है, स्लाइड। डैश आर प्री डिफाइंड कलर्स फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स, प्री डिफाइंड कलर्स फॉन्ट इफेक्ट ये सबको क्या बोलता है, थीम्स। डैश इज अ ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अवर टेक्सचुअल डाटा, हमारा टेक्सचुअल डाटा को ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है स्मार्ट आर्ट।
डैट शोज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड. एक स्लाइड में ऑब्जेक्ट का पोजिशन दिखाता है, क्या दिखाता है, लेआउट. राइट ट्रू और फॉल्स. स्लाइड पेन इज द एरिया इन विच द स्लाइड कैन बी क्रिएटेड एंड एडिटेड. ना स्लाइड पेन वो एरिया है, इसमें हम लोग को स्लाइड को बना भी सकता है, एडिट भी कर सकता है. ट्रू. द स्लाइड टॉप इज यूज्ड टू शो टेक्स्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. अलग अलग फॉर्म में टेक्स्ट को दिखाने के लिए कौन सा टॉप यूज करता है, स्लाइड टॉप यूज करता है. रॉन्ग. इट इज फॉल्स. थ्री. स्मार्ट आर्ट टूल ऑल्सो हैव देयर ओन कस्टम एनिमेशन बिल्ट इन. ना स्मार्ट आर्ट टूल्स में अपना कस्टम एनिमेशन भी होता है. ट्रू. थीम्स आर यूज टू मेक प्रोफेशनली डिजाइंड प्रेजेंटेशन. ना थीम्स यूज करता है टू मेक प्रोफेशनली डिजाइंड प्रेजेंटेशन. ना ये प्रोफेशनली डिजाइंड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए. यस ट्रू. फाइव. वेड आर्ट शोज द मिनिएचर वर्शन थंबनेल ऑफ द स्लाइड. वेड आर्ट में हम लोग को क्या देख सकता है, द मिनिएचर वर्शन और द थंबनेल ऑफ द स्लाइड देख सकता है. क्योंकि वेड आर्ट हम लोग किसे यूज करता है, वो अलग अलग स्टाइल में लिखने के लिए, हमारा टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल में लिखने के लिए है वेड आर्ट. द नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वन. व्हाट इज पावर पॉइंट. मतलब द पावर पॉइंट मीन्स क्या है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेजेंटेशन. द प्रेजेंटेशन के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए. नेम द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन. है ना, अलग अलग प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के कुछ मेथड्स का नाम लिखिए. What is animation? Animation means क्या है. Write a short note on slide. The slide के बारे में एक short note लिखना है. इसका answers. दो questions और है. राइट ए नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज अवेलेबल इन पावर पॉइंट. मस्ट पावर पॉइंट में जो व्यूज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज, उसके बारे में एक नोट लिखना है. सेवन. राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. यस, दो टर्म्स के बारे में नोट लिखिए. ए लेआउट के बारे में लिखना है, बी द स्लाइड ट्रांजिशन के बारे में लिखना है. इसका आंसर्स. Next, worksheet. Find at least 12 words related to PowerPoint in the given maze. The word maze में PowerPoint से related at least 12 words को ढूंढना है. Okay, इसका आंसर भी देखिए. 1. Notes pane. 2. Zoom slider. 3. Outline. 4. Notes. 5. Toolbar. 6. Title. 7. Status. 8. Pane. 9. स्लाइड शो. 10. रिबन. 11. बटन. 12. टैब. ओके, ये चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज सब हो गया. जिसके पास कंप्यूटर का बुक है उन लोगों ऑब्जेक्टिव और वर्कशीट का आंसर वो बुक में करना है. जिसके पास बुक नहीं है उन लोगों ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन आंसर वर्कशीट है, यह सारा चीज़ अपना फेयर कॉपी में कीजिएगा और उसको याद भी करके रहना चाहिए. एग्जामिनेशन भी होगा तो उसके पहले याद करना चाहिए. ओके, थैंक यू. Oh.